हेलो दोस्तों, मैं हूँ सरफराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ओनली टॉक। तो दोस्तों, अगर हम लोग एमआई कम्युनिटी को ओपन करते तो हम लोग स्नीक पीक देखने को मिल जाती है एमआई 10 के ग्लोबल बीटा रोम के बारे में, जिसका वर्जन है 8.12.6, जिसमें दोस्तों बताया गया हम लोग काफी सारे ऑप्टिमाइजेशन किए। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस अपडेट में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगी। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा दिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइलाइट्स में जो यहाँ पे दी गई है, तो सबसे ज्यादा दोस्तों फोकस यहाँ पे हम लोग का पोको F1 डिवाइस के लिए की गई है। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फीचर ऐड की गई है हम लोग पोको F1 के डिवाइस में, 960 FPS वीडियोज एंड सुपर लो लाइट मोड पोको F1। अपडेट में जो फोकस किया गया वो पोको F1 के लिए किया गया। तो दोस्तों, वहां पर मेरा पोको F1 वहां पर रखा हुआ, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हम लोग क्या क्या फीचर्स देखने को मिली है। तो दोस्तों, ये जो फीचर्स है ऑलरेडी हम लोग पोको F1 की जो क्लोज बीटा रोम है 8.12.4, उसमें हम लोगों को देखने को मिल चुकी है ऑलरेडी। अगर आप लोग क्लोज बीटा के यूजर है, बीटा टेस्टर है, तो आप लोगों को ऑलरेडी अपडेट मिल चुकी होगी। और अगर आप लोग इसे अपने फोन में यूज करना चाहते हैं तो आप लोग फ्राइडे का वेट कर सकते हैं, और अगर ये अपडेट हमें फ्राइडे को देखने को नहीं मिलती है तो फिर हो सकता है मंडे को देखने को मिले। क्योंकि दोस्तों, लास्ट पिछले 2 वीक से हम लोग ऐसा हो रहा है कि कुछ डिवाइसेस को हम लोग को फ्राइडे को अपडेट देखने को मिल रही है और कुछ डिवाइसेस को दोस्तों हम लोग को मंडे को देखने को मिल रही है। स्वामी कब क्या करता है ये स्वामी वाला ही जाने। तो हम लोग बात करते हैं इस फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मेरी डिवाइस जो है पोको F1 है, और मैं अपने सेटिंग में जाकर दिखा देता हूँ अबाउट फोन में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉडल नंबर है पोको F1, एंड्रॉइड वर्जन जो है एंड्रॉइड 5 पे बेस्ड है। एंड्रॉइड की सिक्योरिटी पर दोस्तों इसमें अभी भी अपडेट नहीं हुई है। और जो MIUI वर्जन जो हम लोग का है, आप देख सकते हैं MIUI 10 ग्लोबल बीटा 8.12.4। और सिस्टम अपडेट दोस्तों मैं दिखा देता हूँ, तो आपको ये नाइटली देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों ये जो अपडेट है ये हम लोग क्लोज बीटा में है। तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि जो सबसे पहला फीचर हम लोग को देखने को मिलती है वो एड हुआ 960 FPS। तो अगर हम लोग कैमरा वाले ऑप्शन को ओपन करते हैं और दोस्तों यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पर लेफ्ट स्वाइप करते हैं, तो आप देख सकते हैं स्लो मोशन का यहाँ पे एक ऑप्शन हम लोग को देखने को मिल रही है। और ऊपर में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्रेम रेट हम लोग को देखने को मिल जाती है 960 FPS। तो 960 FPS मतलब क्या हो दोस्तों, हम लोग को सुपर स्लो मो वीडियो हम लोग इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड में दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ वीडियो के सैंपल्स दिखा दूंगा, कुछ फोटोज के सैंपल्स दिखा दूंगा जो अपडेट हम लोगों को जो फीचर्स इस अपडेट में देखने को मिलेगी। तो 960 FPS दोस्तों ये हम लोग ऐड हुई है, बाकी इससे पहले दोस्तों हम लोग को 120 FPS थी, 240 FPS थी। उसके बाद हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो 960 FPS हम लोग को देखने को मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों एक और फीचर, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सुपर लो लाइट मोड भी हम लोगों के फोन में जो है वो इनेबल हो गई है। तो अगर हम लोग यहाँ से अपने कैमरा वाले ही सेक्शन में अगर हम लोग यहाँ से लेफ्ट स्वाइप करते हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर नाइट मोड का एक फीचर देखने को मिल जाती है बिल्कुल पोर्ट्रेट के राइट हैंड साइड में। तो दोस्तों ये नाइट मोड वही है जो हम लोग गूगल का Pixel 3 में देखने को मिलती है, गूगल की नाइट साइड वाली जो कैमरा है जिसमें देखने को मिलती है दोस्तों, और OnePlus के जो नाइट सीन वाली फीचर है दोस्तों ये उसी तरह काम करती है। लेकिन दोस्तों ये अभी तक उतना अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा जितना कि गूगल कैमरा करता है, पिक्सल कैमरा करता है। तो आई होप दोस्तों इसे है आने वाले दिनों में इसे फिक्स कर दिया जाएगा। ये अभी पहली बिल्ड है, क्लोज बीटा में आज देखने को मिली है, इसे पब्लिक बीटा में जल्दी रिलीज किया जाएगा। स्टेबल में दोस्तों आप लोगों को काफ़ी वेट करना पड़ेगा, कम से कम 2 या 2.5 महीना वेट करना पड़ेगा इन फीचर्स के लिए। एंड उसके बाद जो ऑप्टिमाइजेशन की गई दोस्तों वो द ऐप सेक्शन ऑफ द सेटिंग्स गॉट अ स्ट्रक्चर रिवैम्प। तो अगर दोस्तों मैं सेटिंग में जाकर दिखा देता हूँ अपने दोनों फ़ोन की, तो एग्जैक्टली दोस्तों मैं आप लोगों को बता नहीं पाऊंगा क्या चेंज ये है। लेकिन दोस्तों मैं अगर सेटिंग में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं सेटिंग में, तो अगर हम दोस्तों जाते हैं हम लोग ऐप सेटिंग वाले सेक्शन में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों का जो है यहाँ पे पोको F1 में देखने को मिल जाती है। तो पोको F1 में दोस्तों हम लोग को देखने को मिल जाती है सिस्टम ऐप एंड सेटिंग्स, और यहाँ पर दोस्तों हम लोग को सिस्टम ऐप्स के नाम से सिर्फ देखने को मिलती है। तो एग्जैक्टली मैं दोस्तों ये वाली फीचर्स क्या है, द ऐप सेक्शन ऑफ द सेटिंग गॉट अ स्ट्रक्चर रिवैम्प, तो ये एग्जैक्टली दोस्तों मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन दोस्तों जहाँ तक मुझे जो देखने में लग रहा है वो दोस्तों यही है कि इसमें कुछ हम लोग के सिस्टम ऐप की सेटिंग्स में कुछ चेंजेस की गई है, जैसा कि दोस्तों आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं।
उसके बाद दोस्तों कुछ कस्टमाइजेबल मॉड्यूल विथ रिसाइजेबल इमेज किए गए हैं, तो ये भी दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रही है। अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। उसके बाद दोस्तों हम लोग अपने पोको F1 फोन को अगर अनलॉक कर रहे थे तो हम लोग की जो है यहाँ पर स्क्रीन फ्लिकरिंग के इशू देखने को मिल रही थी, हम लोग को जो स्क्रीन जो है फ्लिकर कर रहा था, तो दोस्तों इस वाले अपडेट में इसे फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों हम लोग को रेडमी नोट 5 प्रो में एक बग देखने को मिल रही थी, हम लोग का फोन जो है बार बार स्टॉप हो जा रही थी, तो इस वाले अपडेट में दोस्तों इसे फिक्स कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये वाली जो बग है मुझे देखने को नहीं मिली, शायद आपको देखने को मिली होगी, अगर आपको देखने को मिली है तो कमेंट सेक्शन में बताएं और दोस्तों इस अपडेट के बाद इसे फिक्स कर दिया जाए। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक एक शेयर मुझे काफ़ी मोटिवेशन देता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।